अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और यहाँ पे जी हमारी बाहर जाने की तैयारी हो रही है। इस टाइम तकरीबन ये आफ्टरनून का टाइम था। इस टाइम तकरीबन 4 साढ़े 4 तो नहीं, 4 बजे का टाइम था। आज असद की छुट्टी थी बच्चों के साथ, और प्रोग्राम कुछ इस तरीके से था कि उन्होंने बाबा के साथ बाहर खाना खाना था। बाहर खाना खाना का मतलब ये होता है कि पार्क में लेके जाओ, साथ साथ इनको खिलाओ, साथ साथ ही इधर उधर जंपिंग करें। तो कुछ इस तरीके से प्रोग्राम बना था। ये टोपी पार्टी है, उसको आगे से नजर भी कुछ नहीं है। शी इज पुलिंग योर्स, उसकी फिक्स करो जरा टोपी पर से। इसके शूज बनाओ और उधर ही इसका कोट लटका हुआ वो पहनाओ, ठीक है। ये तीनों चूंकि बिल्कुल ही तैयार हैं, तो ये दरवाजे के आगे वेट कर रहे हैं बाकियों का। बाकी कोई एक आध बाथरूम में बैठा होगा। हफा जो है उसके अभी बाल ही बहुत गीले हैं, उसको मैंने पोनी करनी थी, उसको मैंने कमरे में भेजा है। और यहाँ पे जनाब को लाड प्यार चल रहे हैं। असद आजकल काफ़ी ज़्यादा उनको मसरूफियत हुई हुई थी, तो छुट्टियाँ भी इनको बहुत कम थी बीच में। लेकिन मैंने शुक्र किया कि हॉलीडेज़ के दौरान कम से कम 1 से 2 छुट्टी इनको ज़रूर आई है, क्योंकि फिर वहाँ मैं अब अकेले इनको बाहर नहीं लेके जाती, और बाहर ना लेके जाओ तो इनकी ज़रा जहनी हालत ख़राब हो जाती है। मेरे बेड से फौरन नीचे उतर जा, तुझे बिल्कुल परमिशन नहीं है ऊपर चढ़ने की। इधर आ हफा, अभी तो बाल बनाने लगी मैं, देखो कब बनते हैं। इधर आओ, अब इधर स्टूड, ओके इधर आओ जल्दी से। आप निकलो, मैं दरवाजा पकड़ लेती हूँ। ये तो ये इस स्पॉट पे तो फंस जाती है पब्लिक सारी। इसे तो बाहर चलो, मैं निकलती हूँ, बाहर चलो, बाहर चलो। हाँ सब के मशरूम ही टाइम है फॉर। अच्छा कोई ऐसी बात नहीं। यू हैव बाल सारे गीले हैं मेरे बेटे। यू डोंट वांट टोपी, इतनी भी गर्मी है भाई। हमेशा यहाँ पे स्टक हो जाती है दोस्तों, क्या फन है। पहले उसको जूते पहनाने होते हैं, फिर खुद पहनने होते हैं। अभी डन, चलो मामा कर लेती हैं, आप छोड़ दो, आप उठो। उसके पास तो 5 फिनिश है। टेक हर आउट, मैं आपकी टोपी ले आती हूँ। हाथ पकड़ के लेके जाना, उसको भागने नहीं देना रोड के ऊपर, ठीक है। चलो अफा के साथ जाओ। बाबा हनी यार छड़ भी देना यार, यकी हो गया। यस आ रही हूँ मैं। बच्चों के साथ जब भी असद का प्रोग्राम बनता है, वो एक्सपेक्ट बच्चे ये करते हैं कि बाबा पार्क ले जाएं और हैकनी में जो बेस्ट कबाब है वहाँ से हमें कबाब ले दें और हम पार्क में घूमते फिरते रहें और खाते रहें। लेकिन अभी चूंकि बाहर निकलने के थोड़ा सा देर हो गई थी, हमें असद को थोड़ा सा काम था, तो अभी इस टाइम मगरिब का टाइम हुआ है और हम यहाँ पर जो पास ही मॉस्क है टर्की शेख, वहाँ पर पहले नमाज पढ़ने लगे हैं, फिर उसके बाद देखेंगे क्या प्रोग्राम होता है। एक अरसे के बाद मुझे मस्जिद में आने का मौका मिला है, और एक अरसे के बाद मैंने बहुत खूबसूरत अजान जो है वो मस्जिद के अंदर सुनी है, जो कि हनिया की जिंदगी का पहला एक्सपीरियंस था। हमारे घर में अजान स्पीकर लगा हुआ है, वो अजान की आवाज़ वो सुनती रहती है, शी इज़ वेरी फेमिलियर विद इट। लेकिन उसने मस्जिद के अंदर बैठ के अंदर गूंजती हुई आवाज़ का एक्सपीरियंस जो है ना वो पहली बार किया है। एंड शी वॉज सो स्केर्ड, रो रो के उसने ना मुझे अजान रिकॉर्ड करने दी, ना उसने मुझे सुनने ही दी है। इसी तरह ही नमाज के अजान के बाद जो नमाज भी पढ़ी है, वो भी मैंने बैठ के टूटी फूटी सी नमाज पढ़ ली है। इतना अच्छा लगा था अजान सुन के, ऐसा लगा था नमाज भी बहुत अच्छी पढ़ी जाएगी। लेकिन उसको बिल्कुल भी जो है ना समझ नहीं आ रही थी, वो बहुत ज्यादा डर गई थी अजान की गूंजती हुई आवाज सुन के अंदर। हैकनी के अंदर ये बहुत खूबसूरत मास्क है, इस तरफ मास्क की एंट्रेंस थी और इस तरफ जो है अजीजिया रेस्टोरेंट था, जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। असद कह रहे थे कि मुझे पता है, लेकिन आई हैव सीन इट फर्स्ट टाइम, सो ऑब्वियसली मैंने कभी ट्राई भी नहीं पहले किया हुआ था। बच्चों को भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, हमारा चूँकि प्लान बाहर खाना खाने का था और हम पहले ही बहुत ज़्यादा लेट हो गए हुए थे, तो बच्चे जो है ना उनका मतलब था कि हाँ अंदर बैठ के आराम से खाना खाया जाए। असद को मैंने भेजा था अंदर देखने के लिए कोई जगह भी है कि नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि उनका डाइनिंग हॉल जो है उसके अंदर इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं है। तो ऐसा देख के आए थे अंदर, एक टेबल जो है हमारे लिए खाली थी, और वो साथ मेन्यू भी लेके आए थे देखने के लिए। मुझे चेक भी करना होता जाने से पहले कि बच्चों के लिए कोई अच्छी चीज़ वहाँ आई मीन है कि नहीं। टर्किश रेस्टोरेंट था, मैं और ऐसा तो फूड अपनी एक्सपेक्टेशन से ऊपर नीचे हो भी जाए तो खा लेते हैं, बच्चों का ज़रा इशू होता है। इनका डाइनिंग हॉल एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक बहुत ज़्यादा छोटा था, 3-4 यहाँ पर टेबल थे, और सामने वाला जो एरिया है
ये जिन लोगों ने रिजर्व करवाया होता है उनके लिए, ऐसा उसने बताया मुझे। वैसे आई डोंट थिंक सो कैसी को बात भी थी, लेकिन मैं आपको अंदर से थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ये इस तरह थोड़ी सी पार्टीशन उन्होंने की थी बड़ी फैमिलीज के लिए, और उसे पूछा था अंदर बैठने के, उसने कहा था जी कि रिजर्वेशन हुई हुई है, ये लोग आने वाले हैं, लेकिन वो कभी भी नहीं आई और हम खाना खा के वापस निकल आए हैं। बहरहाल इतने ज़्यादा अपने बच्चों को लेकर इतनी बड़ी जगह पे बैठने का मेरा ऐसा कोई इरादा भी नहीं था, बच्चे पूरी इतनी बड़ी जगह गंद डाल के तो कोई फ़ायदा नहीं था। बहरहाल हमें अपनी मतलब का जो है एक टेबल मिल गया था। एक फैमिली उसी वक्त उठ के गई थी जिस वक्त हम एंटर हुए हैं, तो उस टेबल को हमने जनाब जल्दी से पकड़ लिया है। हम रेस्टोरेंट में अभी अंदर बैठ के खाने को इतनी तरजीह नहीं देते हैं क्योंकि बच्चों के ना भी मैनर्स रेस्टोरेंट में बैठने वाले नहीं है। आई डोंट नो फॉर सम रीज़न माय किड्स जस्ट दे डोंट सिट डाउन, कोई ना कोई उल्टा सीधा काम करते रहते हैं, टेबल के नीचे से एक दूसरे को टांगे मारते रहते हैं, दोस्तों थोड़े से इरीटेट हो जाते हैं। उन्हें ये अच्छा लगता है कि टेक अवे लेके इन्हें पार्क में छोड़ दिया जाए, बिकॉज दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे वांट। फूड इनका बहुत ज़बरदस्त था, अजीजिया रेस्टोरेंट विद द मास्क। ओके जी, सो हियर इज द बंच ऑफ वेल फेड किड्स वॉकिंग वेरी नाइसली। एक बच्चा नाराज होकर ऊपर खड़ा हो गया। रेस्टोरेंट के अंदर बैठने का एक्सपीरियंस जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही था, तो हड़बड़ा के हम भागे हम बाहर। सबसे पहले हनिया स्टार्ट हुई है एंड देन हफ्सा। हनी अभी हनी को लेके आने के बाद दोबारा आपको उठाऊंगा। हफ्सा प्लीज, हफ्सा प्लीज, मेरे प्यारे बेटे, बेटी प्लीज। सब मजा तो आता है पर तौबा है ये। बस सर इशिदान चलो आज चले ये डी टू मास्टर इसको ले जाओ साथ। हफानिया लो, ओ हनिया दा कमिंग डाउन। Are you coming down? नहीं आ खेल रही है, उसको छोड़ दो और रोले को चुप करा लो आप बस। हनी जो है कम ऑन द कैमरा बैक। चलो हनी आ जा। ये स्ट्रीट है, यहाँ पे हेलोवीन के चक्करों में कुछ पंपकिंस वगैरह और कुछ मॉन्स्टर वगैरह थे, विच रियली हेल्प्स टू डिसिप्लिन द किड्स, क्योंकि इस टाइम ना छोटे जो दो है ना हनिया के, तो बंदा किस तरह कंट्रोल कर लेता है। हफ्सा जो है ना शी इज गोइंग थ्रू अ फेज, और बहुत इरीटेटिंग किस्म की जो नई उसकी चलती रहती है सासा वो बोली उसकी चल रही थी। इस शॉप में से मैंने सब्जी लेनी होती है, वहाँ से बच्चों को ड्रिंक्स भी मैंने नहीं लेके दी, मुझे ये था खाना खाओ और भागो यहाँ से, क्योंकि बच्चे जिस किस्म के स्टार्ट हो रहे हैं ना इससे पहले चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएँ मैं बाहर निकल जाऊँ। मुझे ये था मैं जिस शॉप से अपना थोड़ा सा मैंने सोडा सल्फ लेना है वहाँ से मैं इनको ड्रिंक्स ले दूँगी, यही प्रॉमिस करके बड़े बच्चों को मैं जल्दी से ले आई थी बाहर। इसके बाद जनाब इन्होंने हरिंगे जाना था, वहाँ से इन्होंने कोई अपनी केक पेस्ट्रियाँ लेनी है। ये हम केक पेस्ट्रियों की दुकान पे पहुंच गए हैं जी, बच्चों का अपने बाबा की तरह स्वीट टूथ है मुँह के अंदर, जो मीठा उन्होंने ज़रूर खाना होता है खाना खाने के बाद। और ये जो शॉप है वो भी उनकी अपनी मर्जी की है, ये वही केक है जो असद ने कुछ दिन पहले मुझे ट्राई करवाया था, और बच्चे यहीं पे आए हैं। और आगे से रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो, सॉरी कांट टच एनीथिंग, बाबा से पूछ लो। ये ओरियो वाला ले, इसे तो ट्राई कर, डिफरेंट इसका कुछ और डिफरेंट। इसरा जी ओरियो वाला ट्राई कर, लेट्स ट्राई दिस वन, लेट्स ट्राई ओरियो केक, ओके, वन ऑफ दिस एंड व्हाट एल्स, वन ऑफ दिस थ्री पाउंड। और मैंने तू देख तूने क्या लेना है, दिस इज चॉकलेटी वन, इस वन ऑफ टू चॉकलेट। जो केक असद ने मुझे ट्राई करवाया था ना, सिर्फ वो ही केक मुझे अच्छा लगा था। बच्चों ने दो से तीन डिफरेंट किस्म की इधर से केक्स के पीस लिए थे, उनमें से कोई भी को मुझे एक्सेप्शनल नहीं लगा था। ये ओरियो केक तो बिल्कुल ही वो जैसे केक पॉप्स नहीं होते अंदर से गुई से, बिल्कुल ऐसा ही बना हुआ था। ओरियो की केक्स की और डिज़र्ट की जितनी अच्छी शक्ल मैंने देखी है ना, मुझे कभी भी टेस्ट जो है ना उस तरह से नज़र नहीं आया। यहाँ से बहरहाल बच्चों ने दो से तीन डिफरेंट केक लिए हैं। एक बॉक्स तो जो है वो डेफिनेटली हमने स्ट्रीट में बैठ के खोल के खा के जाना होता है, तो हर बंदा अपना अपना बॉक्स खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाबा ने सख्ती से मना किया कि सिर्फ एक ही बॉक्स खोलो और सारे उसी में से खाओ। और मुझे भी चूंकि शॉप के अंदर ही पता था, इन्होंने बाहर जाके बोलना कि एक अभी खाना है हमने, तो मैंने उसे चार स्पेयर स्पून जो है डिस्पोजेबल वो फ़ौरन से पकड़ लिए थे। ये थे जी हमारा आज का व्लॉग, इस तरीके से हम इनको बाहर लेके आते हैं। और बाबा जो है ना माशाल्लाह से वो अपनी बहुत सारी मसरूफियत के बावजूद भी ना इनको किसी ना किसी तरह घुमा फिरा लेते हैं ताकि अंदर ना बंद रहें। उम्मीद है आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।